Hello everyone, welcome to my channel Shanti's Home Cooking. आज हम बनाएंगे फालूदा और ये भी देखेंगे कि फालूदा सेव घर पर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे फालूदा सेवियाँ। यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, उसमें हम लेंगे आधा कप कॉर्नफ्लावर। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ मैंने आधा कप पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें पौना कप पानी और डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियां ना रहें। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच शक्कर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे बनाने के लिए हमने टोटल 1.25 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इस बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल पानी जैसी होनी चाहिए। जब तक हम फालूदा सेव बनाएंगे तब तक हम सब्जा को भिगोने के लिए रख देते हैं। सब्जा को हम 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगोने के लिए रख देंगे। फालूदा सेव बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ये सेव मेकर या भुजिया मेकर। अब हम चलते हैं फालूदा सेवियां बनाने के लिए। यहाँ मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, इसमें हम पूरा कॉर्नफ्लावर का बैटर पोर कर देंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तीन से चार मिनट में आप देखेंगे ये पूरा थिक और वैसलीन जैसा हो जाएगा। हमने इसे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। अब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है और एक साथ आने लगा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा वैसलीन जैसा हो चुका है और रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म ही भुजिया मेकर में डाल देंगे। अब हम लेंगे ठंडा पानी और सेवैयां को ठंडे पानी में निकाल लेंगे। सेवैयां को हम इस तरह ठंडे पानी में निकाल लेंगे। पंद्रह मिनट के लिए हम फालूदा सेव को ठंडे पानी में रहने देंगे। बहुत ही अच्छा फालूदा सेव बनकर तैयार है। सब्जा भी अच्छी तरह से फूलकर तैयार है। अब हम एक बर्तन में दूध उबालने के लिए रख देंगे। जैसे ही दूध उबल जाए हम उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच शक्कर और उसे 3 से 4 मिनट तक उबाल लेंगे।
अब गैस से उतारकर हम दूध को ठंडा कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में डाल देंगे। फालूदा बनाने के लिए हम लेंगे फालूदा सेव, सब्जा, रोज सिरप या रूह अफ़ज़ा, चॉप ड्राई फ्रूट्स, दूध, आइसक्रीम, कुल्फी और जेली। अब हम करेंगे फालूदा की लेयरिंग। सबसे पहले हम ग्लास में डालेंगे रोज सिरप। फिर हम इसमें डालेंगे सब्जा। अब हम इसमें डालेंगे फालूदा सेव। अब हम डालेंगे इसमें दूध, और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, कुल्फी, और वनीला आइसक्रीम। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, इसके ऊपर हम थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ड्रिजल कर देंगे। जेली के कुछ पीसेस से हम इसे गार्निश कर देंगे। बहुत ही ज्यादा टेम्प्टिंग और बहुत टेस्टी फालूदा बनकर तैयार है। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। इफ यू डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल शांतिज होम कुकिंग। Thank you so much for watching.